नरी राष्ट्रों में परिक्रमा यात्रियों ने किया पड़ाव। पूर्णा क्षेत्र के जम्बूद्वीप तीर्थ स्थल पर भ्रमण व दर्शन करके सोमवार की अलग सुबह ही अयोध्या की 84 कोसी परिक्रमा यात्रा में शामिल साधु संतों का जत्था आ गया। अगहन माह के ठिठुरन भरी ठंडक व दुर्गम भरी रास्तों पर पैदल चलकर जय श्री राम के गगनभेदी जयकारे लगाते भगवा ध्वज लहराते हुए साधु संत सुकर खेत की तुलसी जन्मभूमि राजापुर पहुंचे। यहां ग्रामीणों ने साधु संतों का फूल मालाओं से स्वागत किया, जिसके बाद सुमिरन कूटी होकर संतों के जत्थे ने पस्का पहुंचकर गुरु नर हरि आश्रम में डेरा डाला। श्रद्धा भक्ति की डगर पर आस्था पूर्वक प्रभु श्री राम की पावन नगरी अयोध्या धाम में इस परिक्रमा यात्रा में कई प्रदेशों से साधु संन्यासी शामिल हैं। 100 वर्ष से ज्यादा उम्र की अकोला महाराष्ट्र के रहने वाले पुजारी अवध बिहारी दास काफी वृद्ध श्रद्धालु हैं और 84 कोशी परिक्रमा यात्रा से सबसे तेज पद यात्रा कर रहे हैं, जिनका आशीर्वाद लेने व दर्शन करने वालों की काफी भीड़ उमड़ रही है। हर एक जगह ग्रामीण जन साधु संतों का स्वागत सत्कार कर जलपान की व्यवस्था कर रहे हैं। शांति सुरक्षा दृष्टिगत पस्का पुलिस चौकी के सिपाहियों ने पहुंचकर साधु संतों से मिलकर कुशल क्षेम पूछा। बताया जा रहा है कि 28 नवंबर को मकबू में मुखौड़ा बस्ती से प्रारंभ अयोध्या की 84 कोसी परिक्रमा यात्रा 12वें दिन गोंडा जिला की सीमा में प्रवेश किया। बाराबंकी गोंडा की सीमा मूर्तिहन घाट पर स्टीमर के जरिए संतों ने घाघरा नदी पार करके भवन पहुंचा। चरस डी होकर जम्बूद्वीप तीर्थ स्थल एवं सोमवार को भौरीगंज तुलसी मंदिर राजापुर सुवरन कोटी का दर्शन करते हुए पस्का त्रिमोहानी संगम तट पहुंचे। संचालक संत गोविंद दास ने बताया कि संतों का अगला पड़ाव 12 दिसंबर को मां बाराही देवी मंदिर, 13 दिसंबर को तवरकगंज में जमथा, 14 दिसंबर को नवाबगंज एवं 16 दिसंबर को अयोध्या पहुंचकर परिक्रमा का समापन होगा। अयोध्या की 84 कोसी परिक्रमा जत्था में तकरीबन 200 से अधिक साधु संत परिक्रमार्थी शामिल हैं।